दोस्तों, अब आपको अपने YouTube वीडियो के सेटअप के ऊपर 50 से 60,000 रुपए खर्च नहीं करने, बल्कि इस वीडियो को आपको बिना स्किप करे लास्ट तक देखना है, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो आप भी बहुत ही सिंपल तरीके से अपने नॉर्मल से सेटअप को मेरे जैसा प्रोफेशनल सेटअप बना सकते हो, वो भी एकदम फ्री में। तो बट आप में से काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इतने सारे इक्विपमेंट्स के साथ हम फ्री में सेटअप कैसे बना सकते हैं अपना। तो मैं आपको बता दूं, ये जो आपको इक्विपमेंट्स दिख रहे हैं ये एकदम फेक है, रियल नहीं है, जो कि मैंने AI की मदद से जनरेट करके अपनी वीडियो को एडिटिंग करके लगाए हैं। तो आप भी मेरी तरह अपने नॉर्मल से सेटअप को हाई लेवल प्रोफेशनल सेटअप में बदल सकते हो, वो भी एकदम फ्री में और AI की मदद से। वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी वीडियो के फ्रेम को कैप्चर कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है उसका। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लिया, उसके बाद हमें यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र पे जाना है एंड क्रोम ब्राउज़र पे जाके Adobe Firefly सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे, फर्स्ट वाले पे आपको क्लिक कर देना है, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे नीचे स्लाइड करना है। जैसे आप यहाँ पे नीचे स्लाइड करते हैं, उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जनरेटिव फिल वाला, उस पर क्रिएट विद Firefly पे क्लिक देना है आपको। जैसे आप क्रिएट विद Firefly पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जिस पे आपको अपलोड इमेज पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अपलोड इमेज पे क्लिक करते हो, उसके बाद आपको वही फोटो को आपको यहाँ पे उठा लेना है जो आपकी वीडियो के फ्रेम का है, तो उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। देन उसके बाद आपको देख सकते हो कि ये साइड में हमारा बैकग्राउंड छुटा है, तो यहाँ पे हम साइड में ड्रॉ करेंगे। जैसे ड्रॉ करा जाता है, उसके बाद नीचे यहाँ पे टाइपिंग वाला दे रखा है, वहाँ पे हम लिख देंगे बैकग्राउंड और जनरेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा बैकग्राउंड 3-4 कलर का दे रखा है, 3-4 टाइप का। तो यहाँ पे जो हमें सही लगेगा वो बैकग्राउंड हम चूज़ कर लेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे कीप वाला एक ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर देंगे। एंड उसके बाद हम नीचे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे टेबल लाने के लिए, तो यहाँ पे हम नीचे ड्रॉ करेंगे। एंड यहाँ पे जो टाइप वाला ऑप्शन, उस पर सिंपली यहाँ पे टेबल सर्च करके जनरेट पे जैसे हम क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे 3-4 टाइप के टेबलें दिख जाती हैं, जिसको हमें यहाँ पे जो अच्छी लगे वही आपको सेलेक्ट करके कीप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। एंड उसके बाद हमें यहाँ पे इंडोर प्लांट्स लाना, तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर देंगे छोटा सा, उसके बाद यहाँ पे हम टाइप कर देंगे इंडोर प्लांट्स। तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे टाइप करते हैं इंडोर प्लांट्स, तो उसके बाद जनरेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड आपको यहाँ पे काफ़ी सारे प्लांट्स देखने को मिल जाते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड कीप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हमें लैंप लाना है, तो लैंप के लिए यहाँ पे फिर से हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो जितना बड़ा आपको लैंप चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हमें लैंप लिख देना है। जैसे आप यहाँ पे लैंप टाइप करते हो, जनरेट पे क्लिक करते हो, वैसे आपको यहाँ पे लैंप देखने को मिल जाते हैं। आप उसको सिलेक्ट करके कीप वाले ऑप्शन पे फिर से आपको सिलेक्ट कर देना है। अब उसके बाद हमें यहाँ पे साइड में बुक्स सेल्फ चाहिए, तो यहाँ पे हम फिर से ड्रॉ कर देते हैं। एंड यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे बुक सेल्फ लिख के यहाँ पे जनरेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम इसको करते हैं जनरेट वाले ऑप्शन पे क्लिक, वैसे यहाँ पे हमें बुक सेल्फ देखने को मिल जाती हैं। फिर से हमें जो यहाँ पे अच्छी लगे वही आपको बुक सेल्फ ले लेनी है, उसके बाद फिर से कीप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप इसमें अलग अलग तरीके की क्रिएटिविटी दिखा सकते हो और जो भी आपको चाहिए वो यहाँ पे ड्रॉ करके टाइप करके यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम यहाँ पे देखिए एक लैपटॉप भी हमने ले लिया है, उसके बाद यहाँ पे हम डाउनलोड करेंगे। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद नीचे डाउनलोड वाला ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारा ये फोटो जो है डाउनलोड हो जाएगा। फिर हमें इस पर काइन मास्टर में चले जाना है। काइन मास्टर में जाने के बाद आपको यहाँ पे करना क्या है, जो आपने जो फोटो डाउनलोड किया है AI से उसे यहाँ पे सिंपली ले लेना है। फिर उसके बाद लेयर ले लेनी है, आपको जो मेन वीडियो है उसको लेयर में लेना है। तो यहाँ पे हम लेयर में ले लेते हैं वीडियो को। उसके बाद यहाँ पे अपने हिसाब से आपको क्रॉप करना है एंड साइड को छोड़ देना है, और नीचे को यहाँ पे जो टेबल और साइड में जो इक्विपमेंट्स लगे हुए उसको छोड़ के यहाँ पे क्रॉप कर लेना है। एंड देन यहाँ पे आपको अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद यहाँ पे हमारी वीडियो कुछ इस तरीके से तैयार हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं।